दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं आप स्पाइस मनी फिनो पेनियर या किसी दूसरे कंपनी का इस्तेमाल करते हैं APS, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा ताकि आप लोग मुसीबत में ना पड़े, इसलिए, ठीक है। मतलब आप अगर मैं वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, और नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि मुसीबत आपको आ सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मेरे जितने भी स्पाइस मनी के रिटेलर हैं, प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मैं आप पेनियर फिनो स्पाइस मनी या किसी दूसरे कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आपको एक दिन मुसीबत आ सकती है। मुसीबत किन लोगों को आएगी ये मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जबकि इसका वीडियो मैंने 4 महीने पहले भी बना के आप लोग के सामने दिया था कि आप लोग ऐसा गलती ना करें, मगर फिर भी देख रहा हूँ कि ये गलती हो रही है आप लोग से और ऊपर से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, स्पाइस मनी फिनो पेनियर में कोई इस्तेमाल जरूर करते होंगे या दूसरे कंपनी के साथ। तो आप लोग क्या करते होंगे, जब आप किसी के आधार कार्ड से पैसा निकालते होंगे तो आपके वॉलेट में जरूर आता होगा, बट वॉलेट में आता होगा तो अपने बैंक में जरूर लेते होंगे। आप कौन से बैंक में लेते होंगे, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, मगर 99% लोग ऐसे हैं जो सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। अब कौन से लोग सेविंग अकाउंट में नहीं ले सकते ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और कौन से लोग ले सकते ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं उन लोग भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर मैं आप पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, ठीक है, तो आप सेविंग अकाउंट के साथ लेन देन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 लाख तक आप 1 साल के अंदर लेन देन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोग अपना बिजनेस करते हैं और 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर दिए हैं, मतलब एक साल के अंदर ही 10 लाख ऊपर क्रॉस कर दिए, तो उनको नोटिस आ जाएगी और आ भी रही है, ठीक है, कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, क्या है, कैसा, वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना सेविंग अकाउंट के साथ लेन देन न करें, ठीक है। और अगर मैं आप पर्सनल के लिए हैं तो 10 लाख के नीचे अगर लेन देन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर आप बिजनेस करते हैं, मतलब कहीं किसी का पैसा निकालते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना करेंट अकाउंट खुलवाइए, मतलब सेविंग अकाउंट के साथ लेन देन मत कीजिए, ठीक है। अगर मैं आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो 10 लाख के नीचे लीजिए कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट खुलवाइए। देखिए, करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो इसमें क्या है कि आपको 20 लाख तक आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बैंकों में देखा हूँ कि 50 लाख तक लेन देन कर सकते हैं, 30 लाख तक। मगर जिस बैंक में आप करेंट अकाउंट खुलवाइएगा उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि मैं कितना मेरा ईयरली इसमें ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मतलब जब आप खाता खुलवाइएगा ना तो उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि 1 साल में कितना मैं लेन देन कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि इतना आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर से उससे क्रॉस हो रहे हैं, मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, करंट अकाउंट खुलवा देते हैं, उसमें दिया जाता है कि 1 साल के अंदर आपको 20 लाख तक ही निकालना है, ठीक है, और अगर मैं आपका ये देख रहे हैं कि 2 महीने में ही 20 लाख क्रॉस हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, ITR फाइल कीजिए, ठीक है, मतलब ITR फाइल करेंगे तो आप 1 करोड़ तक लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं 1 करोड़ भी 1 साल के अंदर पार कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर TDS कटेगा, बट आप ITR जब फाइल करेंगे तो जो TDS कटा रहेगा वो आपको वापस आ जाएगा, ठीक है, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेन देन अगर मैं आप करते हैं तो आप करेंट अकाउंट खुलवाइए, और अगर मैं आप 1 साल के नीचे 1 साल के अंदर रख में 20 लाख का लेन देन हो जा रहा है, मतलब निकाल ले रहे हैं बैंक से पैसा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और अगर मैं 1 साल के अंदर ही आपको 20 लाख भी क्रॉस हो जा रहा है तो आप लोग ITR फाइल कराइए। ITR फाइल कराएंगे तो उसमें क्या है कि आपको 1 करोड़ तक लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप लोग अपना करेंट अकाउंट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और जिन लोग अपना सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, वो पर्सनल वाले जो हैं, जो अपना खुद का लिए हैं 2-4 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन, 50 ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। ये करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 20 लाख तक लेन देन कर सकते हैं, ITR फाइल करेंगे तो 1 करोड़ तक लेन देन कर सकते हैं, और 1 करोड़ भी पार हो जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, TDS तो कटेगा ही, बट हाँ ITR फाइल करेंगे तो TDS वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आपसे एक छोटा मोटा अपडेट बताना था कि आप लोग ये गलती ना कीजिए, नहीं तो नोटिस आएगा तो बहुत आपको मुसीबत झेलना पड़ जाएगा।
जबकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, सेविंग अकाउंट के साथ लेन देन किए थे और इस समय उन लोग पछता रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अगर में ज़्यादा लेन देन करते हैं तो आप क्या कीजिए, अपना करेंट अकाउंट खुलवाइए, उसमें लेन देन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस ये छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई मन में शंका होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए।